दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज की देह का अंतिम संस्कार करवाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार डेरा प्रबंधक व डेरा प्रवक्ता मीडिया के सामने आए। इस दौरान डेरा प्रवक्ता स्वामी विशालानंद और विश्वानंद ने कहा कि डेरे की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश को वे जल्द ही हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि डेरे का अभी भी यही मानना है कि आशुतोष महाराज समाधि में है। वहीं जब उनसे डेरे की सुरक्षा संबंधी सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि डेरे को पूर्व भी कई बार आतंकी धमकियां मिलती रही हैं, जिस कारण डेरे की सुरक्षा कड़ी रखी गई है। वहीं दूसरी ओर जब डीएसपी नकोदर सतीश मल्होत्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डेरे में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस की नजर है। हाईकोर्ट डबल बेंच पर जाएगा और हम अपनी बात को डबल बेंच के सामने रखेंगे। बस देखिए, जेड सिक्योरिटी की रिव्यू पिटीशन, जेड सिक्योरिटी पर एक पिटीशन लगी थी जिसको कोर्ट ने मेंटेनेबल नहीं माना, और कोर्ट ने स्टेट ने भी कहा था कि जो सिक्योरिटी वो आश्रम की है, वो जेड सिक्योरिटी नहीं है। आश्रम को सिक्योरिटी मिली हुई है लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोग रोज आते हैं। और ऐसे हर एक धार्मिक स्थल पर पंजाब में जहाँ पर भी हजारों लोगों की मूवमेंट है वहाँ पर सिक्योरिटी है, तो इसमें कहीं कोई जेड सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। और इस पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है और कोर्ट इस पिटीशन को खारिज कर चुका है, बहुत पहले 5 महीने पहले इसको खारिज कर चुका है, तो मुझे लगता है ये कोई प्रश्न ही नहीं है। एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कमेटी जो दिशा निर्देश देगी उन पे वो हम पालना करेंगे। तो आपको चिंता है, वैसे ही हमें भी इस बात की चिंता है, और हमने पूरा इस तरफ से हम कॉन्शियस हैं और पूरा हमने अरेंजमेंट किया। बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने आते हैं शाम को चले जाते हैं। अगर कोई रहता है तो हमने उसका रजिस्टर लगवाया हुआ है, तो हमारे जो आदमी है वो चेक करते हैं भी कौन आदमी अंदर है, और जो रह रहा है वो उसका भी टेलीफोन नंबर और एड्रेस और साथ में जो किसने उसको किसके रेफरेंस से वो रह रहा है वो रहते हैं। वैसे जो आना जाना है काफ़ी पॉइंट्स पे हैं, आज भी SHO भी लगे हुए हैं, सभी हैं, कोई किसी पॉइंट पे, कोई किसी, जैसे हम अपनी प्लानिंग करते हैं उसके तहत। ऐसे देखो, ये धार्मिक मैटर है, उनका अपना उसमें आस्था है, तो ऐसी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को हम नहीं।